एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12, वसीम इन्वेस्ट ₹5000 एट 5 होल 1/4% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वसीम ने इन्वेस्टमेंट की है ₹5000 की, 5000 की इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट की वो क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ बताई गई है ₹5000 और उसके पर प्रॉफिट का रेट बताया गया है 5 होल 1/4%। रेट है, रेट इज इक्वल टू 5 होल 1/4%। इसके बाद जैसा कि कहा गया है कि 3 साल के बाद अमाउंट कितनी होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टाइम है वो 3 ईयर्स है। ये कहा गया है फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के आखिर में, यानी कि टाइम है 3 ईयर्स। तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। अब ये जो हमें रेट बताया गया है 5 होल 1/4%, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 20 को 1 से 20 में 1 प्लस करें 21, और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 और 7% का सिंबल। अब हम 21 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 21/4 इज इक्वल टू 5.25 और 7% का सिंबल, यानी कि जो 5 होल 1/4% है, इसी को, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसी को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये बन गया 5.25%। अगर हम इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे इस सवाल को, इसलिए इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। अब जैसा कि कहा गया है फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी होगी, फाइनल अमाउंट इसको कह लें या फिर टोटल अमाउंट कह लें, मैं इसको फाइनल अमाउंट लिख लेता हूँ। फाइनल अमाउंट हमने इसमें मालूम करनी है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली जो प्रॉफिट का रेट है वो कंपाउंडेड है, यानी कि कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर फाइनल अमाउंट मालूम करनी है हमने, फाइनल अमाउंट मालूम करनी है जिस पर प्रॉफिट का रेट है 5 होल 1/4% कंपाउंडेड और प्रिंसिपल अमाउंट 5000, जबकि टाइम जो है यहाँ पर 3 ईयर्स नहीं बताया गया, लेकिन ये जो कहा गया है कि 3 साल के आखिर पे कितना उसको, उसकी फाइनल अमाउंट कितनी होगी, कितनी उसको पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब है ये 3 साल पे एंड पे कह रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इस पर टाइम जो है वो 3 ईयर्स है, इसलिए हमने टाइम 3 ईयर्स लिख लिया। ये तो वो कंडीशंस हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है, आगे हम इसको मालूम कर लेंगे फाइनल अमाउंट को, टोटल अमाउंट जो कि 3 साल के बाद वसीम को मिलेगी। फाइनल अमाउंट मालूम करनी है तो फाइनल अमाउंट मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + R/100 टू द पावर टाइम। ये है फार्मूला फाइनल अमाउंट को मालूम करने का। जब हमने कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम किया तो हम उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर लेते थे, फिर हमें पता चल जाता था कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना है, लेकिन अब यहाँ पर हमने बस मालूम करना है फाइनल अमाउंट को, इसलिए फार्मूला बस यहाँ तक रहेगा। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, फाइनल अमाउंट मालूम करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि 5000 रुपीज़ है, 5000 × 1 + R मीन्स रेट, रेट है यहाँ पर बताया गया 5 होल 1/4% और ये इसको हमने आसान शक्ल में लिखा 5.25%, तो ये हम लिख लेते हैं 5.25। यहाँ पर इस तरह ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको यूज़ करते हुए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R/100 यानी कि डिनोमिनेटर में 100 है, और ये 100 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसका मतलब होता है परसेंट, यानी कि पर 100/100, ये इसलिए फार्मूला में साथ ही डिवाइड 100 से कर दी गए। टू द पावर टाइम है और टाइम यहाँ पर 3 ईयर्स है, इसलिए इसकी पावर ली जाएगी 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला लिखा पहले, उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5000 × 1 + 5.25 जो है
वो डिवाइड हो रहा है 100 से। 5.25 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.0525। 0.0525 टू द पावर 3। 5000 इंटू ये 1 जो है ये प्लस हो रहा है 0.0525 में, तो इसको प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1.0525 और इसका इसकी पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्यूब ले लेंगे, पावर 3 है मतलब इसका क्यूब लेना है 1.0525 का, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्यूब लिया जाएगा। 5000 क्यूब लेंगे 1.0525 का, कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड में करते हैं तो जैसा कि ये लिखा हुआ है 1.0525 और इसका हमने क्यूब लिया तो ये बन गया 1.16591345312 5। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1.1659 1.1659 1659। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसकी पावर 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसका क्यूब ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में जो 5000 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5000। 5000 इज इक्वल टू 5829.5672 लिखा हुआ है तो 567 इसको लिख लें। 5829.567 और ये हमने मालूम कर लिया है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आ गई, फाइनल अमाउंट 5829.567 और यहाँ करेंसी यूज़ हो रही है रुपीज़, इसलिए 7 रुपीज़ का सिंबल। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 5829.567 रुपीज़।